In a move to rejuvenate Mumbai's polluted rivers, citizens and activists led a massive cleanup drive along with the help of the BMC at Poisar River on Sunday. So far, over 1,20,000 kilograms of solid waste, mostly comprising plastic, has been removed from the Poisar River bed. The BMC, on the other hand, sent JCB machines and workers to help clean up the river. Amitabh Balachandra caught up with the citizens of the River March group, listening to what they had to say. That river flows very close to my house, you know. So I've always been, you know, when I've been looking at it, I should be doing something. Let the government not do, let the state government not do, but I should be doing something. So I got an opportunity to do something. अभी नया प्लास्टिक रूल के हिसाब से 50 माइक्रोन का मिनिमम पेपर चाहिए, बैग चाहिए, कैरी बैग चाहिए, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कार्रवाई करने की जरूरत है. अगर ये कार्रवाई होती है तो आपको जो डंप सब जगह में दिख रहे हैं, बराबर है, खाली नदी में नहीं, सब जगह अगर कोई कचरे का डंप देखेंगे ना आप, तो उसके ऊपर प्लास्टिक ही सब दिखता है, बराबर है, क्योंकि प्लास्टिक में भर के सब लोग कचरा बाहर फेंकते हैं. 1,02,000 निकाले, 20,000 निकाले, लेकिन वही है कि अभी हम आ जाए आज वही हालत है. क्यों, जो सिस्टम सुभाष राणा ने बताया वो सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो इनको कोई और जगह नहीं जहाँ डाल दें, तो वो यहीं फेंक देते हैं. वो अगर कोई कचरा लेने वाले नहीं आते तो ये लोग यहीं फेंक देते हैं. तो जो एक सिस्टम है उसको चलना चाहिए, नहीं तो ये क्या होगा. बीएमसी मतलब ये है कि बस वो ऑफिसर लोग बैठे हैं, पगार मिल रही है, कुछ सोच नहीं रहे. अगर इससे क्या होगा, इसमें बीमारी होगी, कमिश्नर भी बीमार हो जाएगा. लास्ट वीक वी हैड अ मीटिंग विद मिस्टर अजय मेहता, द बीएमसी कमिश्नर, एंड ही से ही विल लुक इनटू द मैटर. But till the date, we did, after 4 or 5 days, nothing support is visible till the date. Okay, anyway, they are coming over here, they are supporting, but the work which they are supposed to do, they are ignoring that. That I can say. लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं कि आप जो कचरा जो आपका घर का है वो डब्बे में ही दीजिए. और रिवर मार्च की तरफ से लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था, वो लोग भी कुछ 4-5 डब्बे देने के लिए तैयार है. और हमने हायर अथॉरिटी से भी बात की है कि वहाँ पे डब्बा प्रोवाइड कीजिए ज़्यादा. और यहाँ पर हम मिनी जीप होती है हमारी, जो जहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ नहीं कचरे की आ सकती कचरा कलेक्शन के लिए, तो उसके लिए भी हम लोगों ने प्रपोजल दे दिया है. और वो प्रपोजल जैसे ही सैंक्शन होता है यहाँ जीप सर्विस हम लोग शुरू करते हैं. और ये भी बताइए आप, यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत लिक्विड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट भी है, और टॉयलेट से ह्यूमन वेस्ट भी जा रहा है, तो इसके लिए आपका क्या सोल्यूशन है आगे जाके, क्योंकि ये क्लीनअप एक बार हो जाएगा उसके बाद मेंटेनेंस भी होना. जैसा कि आप कह रहे हैं कि इसको मेंटेन करना चाहिए, इसके लिए हम लोग हायर अथॉरिटी के पास बैठ के बात कर रहे हैं कि जो स्वेरेज लाइन या जो गंदगी जो इसमें आ रही है नदी में, तो उसके लिए हम लोग अभी यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट या तो इशू करेंगे कंस्ट्रक्शन करके और पिट बना के ये करेंगे, तो उसके लिए हम लोग हायर अथॉरिटीज़ के पास हमने ऑलरेडी बोल दिया है.